अभी तक रामचंद्र जी के ठेकेदार बने हुए लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना, इस बार जो पार्टी भगवान राम की बात कर रही है ना, वो पार्टी ऐसी नहीं है कि मुंह में राम रखती है और बगल में छुरी रख के चलती हो आप। इस पार्टी के मुंह में भी राम है, दिल में भी राम है और बगल में संविधान है। हम जब राम की बात करते हैं तो बगल में छुरी नहीं, संविधान दिखाकर चलते हैं और दिल में राम लेके चलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, इस बार वास्ता ऐसी पार्टी से है आपका। विपक्ष के उस साथियों ने कहा कि अच्छा हुआ आप हमारे राह पे आए। नहीं नहीं साहब, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं आपका रास्ता बड़ा खतरनाक है, हम आपके रास्ते बहुत खतरनाक रास्ता है, बेहद खतरनाक, देश के लिए खतरनाक रास्ता है। आप देशभक्ति की बात तो करते हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे चलते हुए आप देशभक्ति की बात तो करते हो, लेकिन पूरे देश की राजधानी को पिछले 15 साल में आपको चलाने का मौका मिला है, MCD की सत्ता। आप बात तो देशभक्ति की करते हो लेकिन व्यवस्था कूड़ा कूड़ा चलाते हो, हम आपके रास्ते पे नहीं चलना चाहते। पिछले 15 साल में दिल्ली में जितना कूड़ा फैलाया है, हम उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते। हमको दिल्ली की जनता ने जिस काम को करने के मौका लिया है, हम उसमें ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये हमारी देशभक्ति, हम कूड़ा फैलाने की देशभक्ति नहीं चलते। ये बात तो देशभक्ति की करते हैं लेकिन पिछले 15 साल में दिल्ली नगर निगम में एक भी नगर निगम का ऐसा स्कूल नहीं है, एक भी, जिसके बारे में ये दावे से कह सके कि हमारे नगर निगम के फलाने स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 2री क्लास की भी टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ सकता है। यह इनकी देशभक्ति है। 5वीं क्लास के बच्चे को 5 साल खा जाते हैं एक बच्चे का, और 5वीं क्लास में जब बच्चा पढ़ने पढ़ते पहुंचता है प्रमोट होके, तो उसको 2री क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं आती। ये आपका रास्ता है, ये आपको मुबारक हो, हमें ये रास्ता नहीं चाहिए। हमारी देशभक्ति ऐसी है, हम बिल्कुल ऐसी देशभक्ति नहीं करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। हमारी देशभक्ति तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की देशभक्ति, हमारी देशभक्ति तो इस बात की देशभक्ति है। हम तो उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जिसमें देश के एक एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। सारे नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, गरीब बच्चे को नगर निगम में पढ़ाते हैं और कहते हैं इनका क्या, ये तो पढ़ जाएंगे तो सवाल पूछ लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा इनका रास्ता ये, हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ बात करते हो, उस भारत माता का एक बेटा जिसके भारत माता की जय आप कह के कहते हो कि हम देशभक्त हैं, जोर से जब भारत माता की जय का नारा लगा के आप कहते हो हम देशभक्त हो गए हैं, उस भारत माता का बेटा किसान अगर आपसे दिल्ली की सत्ता में कुछ कहने आता है तो आप उसको दिल्ली की सत्ता में पहुंचने से पहले बॉर्डर पर कीले ठुकवा देते हो उसके रास्ते में और कहते हो हम देशभक्त हैं। आप किसानों का रास्ता रोकने के लिए नुकीली ऐसी कीले खड़ा कर उसके फोटो खिंचवा के दहशत फैलाते हो। ऐसे लगता है जैसे किसान मिलने नहीं आ रहा है, दुश्मन देश चढ़ाई करने आ रहा है। आप किसानों से मिलने से रुकने के लिए, किसानों से सवालों से बचने के लिए उनके रास्ते में कीले ठुकवाते हो और आप कहते हो देशभक्त हो। आपको ऐसा रास्ता मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए ऐसा। आपने कहा, आप अपने शब्दों को करेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके रास्ते पे नहीं आ रहे। हमको नहीं चाहिए कि किसान को देशद्रोही कहा जाए। जिस किसान का बेटा बॉर्डर पे जवान बन के बैठा हुआ है, आप देशभक्ति की बात तो करते हैं, ये कहते तो हैं कि मोदी जी फौजी की ड्रेस पहन के पहुंच गए थे तो चीन पीछे हट गया, मोदी जी ने ये कर दिया था, मोदी जी ने वो कर दिया था, कहते तो हैं। उस जवान की शहादत का, उस जवान की बहादुरी का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन वो बेटा, उस किसान का वो जवान बेटा अगर खड़ा होके वर्दी पहन के ये कह दे कि मुझे फौज में जो दाल मिल रही है उस दाल में पानी ज्यादा है और दाल कम है, उसे पागल करार दे देते हैं और उसको नौकरी से निकाल देते हैं ये लोग। ऐसी देशभक्ति आपको मुबारक हो, हमें हमारे देश को ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए। देशभक्त कहते हैं अपने आप, जवानों के काम का क्रेडिट लेते हुए शर्म नहीं आती। जिस जवान ने यह कहा कि मुझे दाल नहीं मिल रही है, दाल के बदले पीने का पानी मिल रहा है, उसको पागल करार दे दिया इन लोगों ने और उसको नौकरी से निकाल दिया इन लोगों ने, उसका क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं हमारी राह पे चलो। ऐसी राह मुबारक हो जहां हम अपने जवानों को पागल कहते हैं। अगर वो हमारा जवान खाना खाने को मांगे और कहे दाल तो ठीक से दे दो यार, ऐसी आपको मुबारक हो, हमको वो रास्ता नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप देशभक्ति की बात करते हो, इन मिलावटी देशभक्तों को जहां भी सरकार चलाने का मौका मिला है, जिस राज्य में भी सरकार चलाने का मौका मिला है, इन्होंने बिजली कंपनियों से पैसा खा खा के वहां के आम आदमी के बिल इतने महंगे कर दिए हैं कि वो खून के आंसू रोने पे मजबूर है। इसको ये अपना रास्ता कहते हैं, इसको इनकी देशभक्ति। आज हम जिस बात की बात कर रहे हैं, हमारा रास्ता ये है कि दिल्ली के हर आदमी को, वो चाहे कितना भी गरीब हो, उसके घर में कम से कम एक चिराग तो रोशन हो सके, एक बल्ब तो जल सके, ये हमारी देशभक्ति है। एक आदमी अपने घर में बल्ब जलाने के लिए 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए का मासिक बिल चुकाए, ये आपका रास्ता है, आपको मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए रास्ता, हम नहीं चलेंगे इस रास्ते। हमें
हमें तो खुशी है। अरे आप भी देशभक्ति करो, हम भी देशभक्ति की बात करें। कांग्रेस महाभेदता में बैठी है, बंगाल में जो पार्टी बैठी है, सारे देशभक्ति की बात करें, देश का कल्याण होगा। लेकिन कम से कम देशभक्ति की बात तो करो। देशभक्ति का मतलब क्या हुआ उसको तो बात करो। आप नारे जोर से लगाते हो और बगल में छुरी रखते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो। हमारे लिए तो अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की तरक्की ही देशभक्ति है। हमारी तो हमारे लिए तो दिल्ली वाले की तरक्की ही देशभक्ति है। हर दिल्ली वाले की तरक्की हमारे लिए देशभक्ति है। लोग कह रहे हैं कि ये देशभक्तों की पार्टी और इनके नेता देशभक्त अरविंद केजरीवाल जी के होते ये विजन संभव था, वरना तो मुश्किल था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन में पढ़ना देशभक्ति है और पढ़ाना देशभक्ति है, स्कूल खुलवाना देशभक्ति है, कॉलेज खुलवाना देशभक्ति है, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाना देशभक्ति है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाना देशभक्ति है, महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाना देशभक्ति। अरविंद केजरीवाल जी के मिशन में देश में तिरंगा, दिल्ली में तिरंगा लहराना भी देशभक्ति है और उस तिरंगे के नीचे खड़े हुए एक एक आदमी को मान सम्मान देना भी देशभक्ति है। हर भारतीय को, भारत देश के हर नागरिक को जो तिरंगे के साय में खड़ा है उसको बराबर का मान सम्मान देना हमारे लिए देशभक्ति, और तिरंगा फहराना भी हमारे लिए देशभक्ति। किसी को छोटा बड़ा समझना हमारे लिए देशभक्ति नहीं, सबको बराबर समझना हमारे लिए देशभक्ति। सबको अच्छा बिजली पानी मिले, सबसे सस्ता बिजली पानी मिले, ये हमारे लिए देशभक्ति है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे लेके जाएं, ये भी हमारे लिए देशभक्ति है। हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, महिलाओं के स्वास्थ्य का सबका ध्यान रखें और दिल्ली की सड़कों को साफ रखें, ये भी हमारे लिए देशभक्ति है। हमारे लिए दिल्ली का व्यापारी फले फूले, ये भी देशभक्ति है। दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिले, ये भी हमारे लिए देशभक्ति है। हमारे लिए ये भी देशभक्ति है कि हमारे कलाकारों को सम्मान मिले। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बार बार कि जिनको कुदरत से कम मिला हो उनको कानून ज्यादा दे दे, ये भी हमारे लिए देशभक्ति है।